बड़ी ताकत होती है यादों में, जो कल को आज में जिंदा रखती है। अच्छी यादें बनाइए, राधे राधे बोलिए, राधे राधे। बहुत स्वागत है आप सब लोगों का एक नए एपिसोड और एक नई प्रॉपर्टी पर। एरिया है पत्रकार कॉलोनी रामपुरा रोड, डुप्लेक्स है ईस्ट फेसिंग 20 के फ्रंट के साथ, और एक सरप्राइज एलिमेंट है 100 गज के डुप्लेक्स में। जब आप बात करते हो किसी प्रॉपर्टी में लग्जरी की, सहूलियत की, फैसिलिटीज की, डेफिनेशन की, तो वो लिफ्ट से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। जनरली जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, वैसे वैसे वो लोग, हम अपने पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, वो बूढ़े हो गए हैं। आजकल घुटनों के कंसर्न्स बहुत सारे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा हैं, या ओल्ड एज के साथ बढ़ते टाइम सीढ़ियाँ चढ़ना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। तो ये लिफ्ट का एक ऑप्शन है जिस प्रॉपर्टी के साथ आज हम विजिट करेंगे। चलेंगे एक शानदार ट्यूब पे, 4 BHK है ये डुप्लेक्स, 20 का इसका फ्रंट है, 100 गज है, ओनली 100 गज का ये डुप्लेक्स है जो लिफ्ट के साथ डिलीवर्ड हो रहा है। शानदार है ये प्रॉपर्टी, चलते हैं विस्तार से शानदार वाले सफर पे और डिटेल से बात करते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में। आइए, ये फ्रंट एलिवेशन आप इस प्रॉपर्टी का देख रहे हैं, नंबर ऑफ विला है 7, 20 का आता है इसका फ्रंट एक विला का, डेप्ट आती है इसकी 45 की, ईस्ट फेसिंग है, 100% वास्तु का बनाते टाइम रखा गया है ध्यान। ग्राउंड फ्लोर पे आता है 1 बेडरूम, फर्स्ट फ्लोर पे आता है 2 बेडरूम और टॉप फ्लोर पे आता है 1 बेडरूम। कंजेस्टेड नहीं बनाया है प्रॉपर्टी को, ब्रॉड करके प्लान किया है, इसलिए एक फ्लोर पे नंबर ऑफ रूम्स ज्यादा नहीं है। और सेकंड फ्लोर का आपको सफर शानदार बनाना है तो उसके लिए लिफ्ट का प्रोविजन है, लिफ्ट को इंस्टॉल करके भी हम डुप्लेक्स के साथ दे रहे हैं। ये इसका पार्किंग स्पेस है, जिस स्पेस के साथ हम बात कर रहे हैं, एंटी स्किड टाइल के साथ इसको किया गया है डिजाइन। ये ब्रॉड आता है इसमें ऑप्शन वाटर टैंक के लिए, और ये एक ऑप्शन आता है आपके, ये आपका यूटिलिटी एरिया हो सकता है, और आप अपने 2-व्हीलर पार्क कर रहे हैं तो आपके लिए परफेक्ट प्लेस है। ये इसकी आती है मेन एंट्री। आइए, स्वागत है आप सब लोगों का। ये जैसे इस गेट से इस एरिया में एंटर करते हैं हम, तो ये आता है आपका ब्रॉड ड्राइंग स्पेस। आप इसको ड्राइंग स्पेस, लिविंग स्पेस कुछ कर सकते हो या कुछ भी कह सकते हो। टीवी का कैबिनेट एकदम सामने और सिस्टमेटिक तरह से डिजाइन किया है, और जिस टीवी के कैबिनेट के जस्ट सामने वाला जो स्पेस है, ये आता है आपके सोफे का स्पेस। प्लस ये आपका ईशान कोण भी आता है। ईशान कोण मंदिर बनाने के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन जगह है, आप चाहें तो यहाँ पे अपना मंदिर बिल्ड कर सकते हैं, ये उसके लिए है। ये स्पेस आता है लिफ्ट के बगल वाला एरिया जो आता है, ये आता है आपके डाइनिंग स्पेस के लिए। अगर घर में डाइनिंग रखने के शौकीन है तो ये स्पेस आपके डाइनिंग के लिए। ये सामने वाला स्पेस आता है आपके हैंड वॉश के लिए, और ये सीढ़ियों के नीचे एरिया आता है आपके स्टोर के लिए। बहुत छोटी छोटी चीज का इस सिस्टमेटिक तरह से ध्यान रखा है कि आपको सहूलियतें बेशुमार हो। ये आती है इसकी किचन, ब्रॉड और बड़ी किचन है ये। ये आता है परफेक्ट अग्निकोण है आपका, अग्निकोण हो गया आपका साउथ और ईस्ट का कॉर्नर। ईस्ट फेसिंग है डुप्लेक्स, ये साइड आती है इसकी साउथ। इलेक्ट्रॉनिक आती है इसमें चिमनी ऑटोमेटिक, सामने एग्जॉस्ट लगाया है इसका बाहर चिमनी का जो एक्सेस है। ये कॉर्नर आता है जहां से विजिबिलिटी मिलती है आपको फ्रंट डोर पे, क्या एक्टिविटीज आपकी हो रही हैं। सॉफ्ट क्लोजर है ये किचन, क्वालिटी पता चलती है किचन को हाथ लगा देना है। एक चीज और भी बहुत अच्छी है, वो है इसके कवर्ड। अगर आप कवर्ड का साइज देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जिस डिजाइन और जिस क्वालिटी के साथ डिजाइन किए गए हैं और जिस साइज के साथ ये चीजें बनाई गई हैं वो एंटिक है। काफी बड़ा साइज है कवर्ड का, तो आपको स्टफ रखने के लिए कहीं टेंशन नहीं होते, मतलब दिक्कत नहीं होती। ड्राइंग स्पेस के जस्ट बगल में आती है आपकी लिफ्ट। ये आपकी लिफ्ट आपके ग्राउंड फ्लोर से लेके सेकेंड फ्लोर तक जाती है, ग्राउंड फर्स्ट और सेकेंड, सेकेंड फ्लोर तक का एक्सेस आपको लिफ्ट में मिलता है। इसके जस्ट बगल में आता है आपके ग्राउंड फ्लोर का पहला बेडरूम, ब्रॉड है ये बेडरूम। ये आता है इसका सिराना बेड का साउथ में। साइज के हिसाब से बात करें, पूरे 20 फीट के फ्रंट में इस बेडरूम को डिजाइन किया गया है। बेडरूम आ गया, और जिसके बेडरूम के जस्ट बगल में आ गया आपका वॉशरूम।
कवर्ड आ गई आपकी बुडन की, और बुडन की कवर्ड के साथ आ गया आपका वॉशरूम। वॉशरूम का एक्सेस आपको दोनों साइड मिलता है, कॉमन एरिया से भी मिलता है, आपके लिविंग स्पेस से भी मिलता है और बेडरूम से भी मिलता है। ये आपका यूटिलिटी एरिया है, वेंटिलेशन के हिसाब से इसको ओपन टू स्काई किया है, तो आपको जनरली सफोकेशन का सामना नहीं करना पड़ता इस प्रॉपर्टी में। फर्स्ट फ्लोर का सफर करें लिफ्ट के साथ और देखते हैं किस 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 तरह की ये लिफ्ट है और किस क्लास के साथ ये मूवमेंट करती है या किस क्लास के साथ ये चल लगती है। मंगलम लिफ्ट कैपेसिटी 6% 408 kg, मतलब एलमोस्ट इसमें आप 4 से 5 लोग एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं। हमने फर्स्ट फ्लोर का सफर लिफ्ट की स्वागत कर रही है सब लोगों का। फर्स्ट फ्लोर का सफर किया है लिफ्ट के साथ। जैसे ही अपन फर्स्ट फ्लोर, जैसे ही इसके फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं, ये स्पेस आता है इसका, ये आपका मिडिल वाला स्पेस आ गया, दो बेडरूम के बीच वाला एरिया। ये आता है आपका सेकंड बेडरूम ऑफ दिस प्रॉपर्टी। सिमिलर है ग्राउंड फ्लोर की तरह, ग्राउंड फ्लोर की तरह ही इसको डिजाइन किया गया है, ग्राउंड फ्लोर की तरह ही इसको प्लान किया गया है। बैक स्पेस वाला एरिया आता है इसका वेंटिलेशन के लिए, ओपन टू स्काई है ये, और इसके जस्ट सामने आती है इसकी वॉशरूम और वुडन कवर्ड। ये आपका वॉशरूम आ गया और ये आ गया आपका आपके कॉमन एरिया में आती है आपकी शानदार फॉल सीलिंग, डिप लाइट के साथ इस विला की खूबसूरती में लगाती है 4 चांद। ये फ्रंट का बेडरूम है, तीसरा बेडरूम है ये इस प्रॉपर्टी का, काफी ब्रॉड और भव्य है ये, आपको देखने से अंदाजा लग जाएगा इसका। ये आता है आपका कवर्ड, वुडन कवर्ड और ये ड्रेसिंग वाला एरिया। ये आता है इसका वॉशरूम, वेंटिलेशन के लिए स्पेस अलग से डिजाइन किया है जो ओपन टू स्काई है। इसमें सारी सैनिटरी जो आती है सेरा की आती है, ये है इसका वॉशरूम। ब्रॉड ब्यूटीफुल फ्रंट विजिबिलिटी की बात करें, स्लाइडर गेट को डिजाइन किया है, और गेट की क्वालिटी पे भी बात करें तो इस क्लासी। ये आती है आपकी फ्रंट बालकनी और ये स्पेस आता है आपके मंदिर के लिए। जैसा कि हम कह रहे थे ग्राउंड फ्लोर पे अगर ड्राइंग एरिया में आप मंदिर नहीं बनाते जो कि ईशान कौन है, तो ये मंदिर के लिए आपका परफेक्ट स्पेस है। ये होती है आपकी बालकनी और ये होता है इसमें एक्सेस प्लेस। इसकी स्लाइडर अंदर से जाना पड़ेगा, ये स्पेस भी है। टॉप फ्लोर से आप आ रहे हैं तो सीधे इसमें एंट्री कर सकते हैं, बाकी ये एरिया आप यूज कर सकते हैं, पूरे सिटिंग स्पेस बना सकते हैं, टी प्लेस हो सकता है आपका, और अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ये एरिया है, अगर आप ऊपर से आ रहे हैं टॉप फ्लोर से तो ये स्पेस है जो काफी खूबसूरत एहसास देता है। लाइट को जिस तरह से डिजाइन किया गया है वो बहुत खूबसूरत है। ये आता है इसका टॉप फ्लोर, सेकंड फ्लोर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। सेकंड फ्लोर की रूफ को जिस तरह से डिजाइन किया है वो बहुत क्लास है, एरिया को जिस तरह से डिजाइन किया है वो बहुत क्लास है। रूफ टॉप आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस पर डेवलप कर सकते हैं। और ये आता है आपका टॉप फ्लोर का बेडरूम, चौथा बेडरूम है ये इस प्रॉपर्टी का। ये आपका गेस्ट रूम हो सकता है, ये आपका पार्टी रूम हो सकता है, ये आपका फैमिली रूम हो सकता है, ये आपका स्टडी रूम हो सकता है। 4 बेडरूम में होती है प्रॉपर्टी डिलीवर। सामने जस्ट आते हैं कि अटैच वॉशरूम और वुडन कवर्ड। चार बेडरूम में डिलीवर्ड होती है प्रॉपर्टी। 20x45 आता है इसका डायमेंशन, 100 गज के साइज में लिफ्ट इसमें इनबिल्ट होके आती है, शानदार क्वालिटी की। सिस्टमेटिक तरह से ये डिजाइन है, लगभग 2300 से 2400 स्क्वायर फीट का आता है इसमें कंस्ट्रक्शन। आस्किंग आती है इसकी 1.25 crore। बाकी डिटेल आपको जाननी है तो आपके दिए हुए नंबरों पे आप कॉल करें, आपको बाकी तफसील से डिटेल और लोकेशन के बारे में आप आइडिया ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।